So if you're looking for ready to move in flats in New Chandigarh, then we have all the options of 3+ servant and 4+ servant. And before exploring the township, let's have the glimpse first. Hello friends, welcome to another video of Tri-City Property Guru. I'm Gurbir from Ambika Florence Park, New Chandigarh. So, abhi main apne project ke bare mein aapko thoda sa brief out karunga. This is the whole project of Ambika in New Chandigarh. Is project ka naam Florence Park hai, which is on the theme of Florence City, Italy. So, agar hum puri township ki baat karte hain, it is in 10.5 acres and it's only Ambika Florence which have given the possession in New Chandigarh in the high rise concept. So ye sirf ek yahi company hai jisne timely deliver kiya hai apna project New Chandigarh mein. To agar hum baat karte hain is project ki, to front pe ye aapki 200 feet road hai jo aapko seedha connect karegi with the airport of Mohali. This is the same road which will connect you to Delhi. Aapko koi bhi turn nahi lena, ye aapki ring road ki tarah rahegi. Front pe project mein humne commercial area rakha hai. तो प्रोजेक्ट के फ्रंट पे आपकी कमर्शियल मार्केट रहेगी. कमर्शियल और रेजिडेंशियल को हम पूरा एक परमानेंट बाउंड्री वॉल से सेपरेट करेंगे और 80 फीट की सिंगल एंट्री दी हुई है. एक वाइड एंट्री है जिससे आपका इन एंड आउट रहेगा फ्रॉम द प्रोजेक्ट. अभी हम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो तीन फेज में टोटल 9 टावर हैं जो 3 फेज में कंपनी ने डिलीवर किए हैं. पहले फेज के ये 3 टावर थे जिनका लास्ट ईयर पोजेशन दे दिया है. तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा. 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और 2021 में हमने इनका पोजेशन दे दिया था क्लाइंट्स को. हमने ये कोरोना को भी बीट कर दिया था. एक्चुअली जो प्रोमिसेस थे वो कंपनी ने अपने प्रॉपरली डिलीवर किए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको बिल्कुल जो प्रोजेक्ट बन चुका है, हम एक्चुअल प्रोजेक्ट देखने जाएंगे और वहाँ पर हम एक्चुअल फ्लैट्स एंड द पार्क्स विल लुक एंड टूर. सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ आवर प्रोजेक्ट जो बिल्कुल ही 200 फीट की कनेक्टिविटी पे आपको मिल जाता है. जैसे कि यही रोड है जो आपको एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी. सो एज वी एंटर इनटू द प्रोजेक्ट, अब हम थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे. यहाँ पे आपकी 3 टायर सिक्योरिटी आपका स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट गेटेड सोसाइटी से. तो यहाँ पे आपको बैरीगेट मिल जाता है. तो यहाँ से अब हम एंटर करते हैं. जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी टाउनशिप, ये वो फेज है जो कंपनी इस टाइम पे डिलीवर कर चुकी है. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट जो कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है. यहाँ पे 200+ families यहाँ पे ऑलरेडी रिजाइड कर रही हैं. तो अब हम टाउनशिप को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और बढ़ते हैं अपनी टाउनशिप की तरफ. अब जैसे कि आप ये रोड देख रहे हैं, ये आपकी पूरी टाउनशिप की बाउंड्री पे रहेगी और इसी के साथ आपकी विजिटर पार्किंग रहेगी. अगर हम प्रोजेक्ट की टाउनशिप की बात करते हैं तो ये पूरा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना जो है सेक्टर 14 ऑफ न्यू चंडीगढ़ में पड़ता है, विच इज़ वन ऑफ द सेंट्रल लोकेशन ऑफ एंटायर न्यू चंडीगढ़. तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अब जैसे आप देख रहे हैं तो हम पार्क्स में एंटर कर चुके हैं सोसाइटी के. नाउ जैसे कि मैं बता रहा था, इसका बेस्ट पार्ट यही है कि आपका जो भी व्हीकल मूवमेंट है, ड्राइववे है, वो आपका बाउंड्री पे रहेगा. इंटरनल सारा ही आपको ग्रीन जोन मिलेगा. बहुत ही अच्छे से डिवाइडेड है ये एरिया, बहुत ही अच्छे से हर एक एज ग्रुप को कैटर करके पूरे पार्क्स आपके यहाँ पे कंपनी ने बिल्ट अप किए हैं. तो आप मेरे पीछे ये देख ही सकते हैं, ये पहला ही आपका जो सबसे फर्स्ट एंट्री पे पार्क मिलता है, विच इज़ एन ओपन जिम. सो जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, इट इज़ द सेम ट्रैक जो आपका जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक यूज़ होगा. इट इज़ ऑन द इंटरनल ऑफ द पार्क और आपके एक्सटीरियर पे भी रहेगा. और यहाँ पे आपको 12,000 square feet में पूरा क्लब हाउस मिलता है. कुछ और अमेनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ओपन आपके बैडमिंटन कोर्ट रहेंगे, तो 4 किड्स पार्क रहेंगे जिनका अलग से थीम रहेगा, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड होंगे. इट इज नॉट जस्ट द नेम गिवन टू द पार्क्स, ये प्रॉपर एक उसी हिसाब से क्लस्टर ना आपका बच्चों का एक जगह बन जाए तो उसी हिसाब से आपके सारे पार्क्स डिवाइडेड हैं. अगर हम पूरी टाउनशिप की बात करें तो यहाँ पे 2 आपके ओपन बैडमिंटन कोर्ट, 1 लॉन टेनिस कोर्ट, आपको क्रिकेट पिच देखने को मिल जाती है जिसके साथ बॉलिंग मैकेनिज्म आपका रहेगा. इसके अलावा आपको ओपन हाफ कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है. बाकी जैसे कि आपका 12,000 स्क्वेयर फीट का क्लब हाउस है तो उसमें आपको इंडोर जिम्नेजियम, बैंक्वेट हॉल, स्पा सेंटर, बच्चों के लिए इंडोर गेमिंग जोन्स, वो सब आपको वहीं पे क्लब हाउस के अंदर ही मिलेगा. अब जैसे कि हम पार्क में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये सेकंड किड्स पार्क आ जाता है मेरे पीछे, विच इज़ फॉर द टोलर्स पार्क.
सो इसमें बहुत ही छोटे बच्चों के लिए आपको एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी। और जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, प्रॉपर एज ग्रुप्स को कैटर करके डिवाइड किया है, जिसमें आपको मिड एज सेगमेंट के लिए ओपन जिम, योगा, मेडिटेशन लॉन, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, जिसमें कुछ एक्वाप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव करने के लिए कुछ मैटिंग एंड इंटरनेशनल पेबल्स रहेंगे। उसके अलावा आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जापानीज थीम पे जेन पार्क प्रोवाइड किया है कंपनी में, जिसे हम सीनियर सिटीजन पार्क कह सकते हैं, जो इवनिंग सिटिंग के लिए एक साइलेंस गार्डन की तरह कंपनी ने आपको प्रोवाइड करके दिया है। अब ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हाफ कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट है, ये उसी फर्स्ट फेज का हिस्सा ही है। अभी तक जो आपने देखे वो सारे फर्स्ट फेज के पार्क्स हैं जो कंपनी अपना डिलीवर कर चुकी है। और अब चलिए चलते हैं हम एक 4 बेडरूम का एक्चुअल फ्लैट देखने, विच इज 4+7, 2565 स्क्वायर फीट साइज है इसका। विल सी द एक्चुअल फ्लैट और उसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कि टावर में एंटर करते हैं, आपको मिलती है डबल हाइटेड लॉबी, तो यहीं पे आपका मीटिंग वेटिंग एरिया रहेगा, यहीं पे आपके 24/7 सिक्योरिटी पर्सनल रहेंगे। कंपनी ने यहाँ पे जो अब सेकंड पॉइंट रखा हुआ है सिक्योरिटी का, विच विल बी एन इंटरकॉम फैसिलिटी, तो दे विल बी यूजिंग हर एक कमरे में, हर एक टावर में, पूरे में इंटरकॉम फैसिलिटी है। तो कोई भी गेस्ट आपके पास विजिट करेगा तो ये आपसे पहले परमिशन लेंगे थ्रू इंटरकॉम, देन दे विल अलाउ द पर्सन टू यूज द लिफ्ट। और इसके अलावा आपको लॉबी में कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कंपनी ने आपको 3 लिफ्ट्स दी हैं, 2 पैसेंजर और 1 सर्विस लिफ्ट, और हर एक लिफ्ट में आपको अलग से कैमरा प्रोवाइडेड है। इसके अलावा इस लॉबी में आपको यहाँ पे पूरे टावर में आपको 2 स्टेयरकेस मिलेंगे। और अब हम चलते हैं 4+7 के एक्चुअल फ्लैट की तरफ। तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से एक हाई स्पीड लिफ्ट दी हुई है कोने कंपनी की, तो लिफ्ट आपकी बेसमेंट से ही एक्सेसिबल है, बेसमेंट की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। तो अब हम चलते हैं 4 बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आपको सर्वेंट रूम और मेन एंट्री आपको अलग से मिलती है। तो हम बढ़ते हैं सर्वेंट रूम की तरफ। तो सर्वेंट में आप एंटर करते हैं तो सर्वेंट के लिए सेपरेट बाथरूम, वॉशरूम, और सर्वेंट को हमने कनेक्ट किया है थ्रू अ बालकनी विद द किचन। अब जैसे ही आप मेन एंट्री करते हैं तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल डोर मिलता है, विच इज 8 फीट हाई। तो एंटर करते ही आप एक बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे स्पेस मिलती है, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर योर गार्डन, योर शू रैक, तो आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटर करते ही आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लिविंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। तो इस स्पेस में आपको कंपनी की तरफ से फॉल सीलिंग प्रोवाइडेड रहेगी। सो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, दिस इज एन एक्चुअल फ्लैट ऑफ 4+7, विच इज नॉट अ सैंपल फ्लैट। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको एक किचन मिल जाती है, दिस इज द एक्चुअल किचन विच अंबिका फ्लोरेंस पार्क विल बी प्रोवाइडिंग टू यू। तो ये सारी आपकी मॉड्यूलर किचन रहेगी विद मॉड्यूलर कैबिनेट, सारे आपके सॉफ्ट टच क्लोजर रहेंगे विच विल बी प्रोवाइडिंग योर हैटिक चैनल्स। सो ये वही बालकनी आ जाती है जो आपकी सर्वेंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने सर्वेंट के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ड्री यूज करने के लिए आपको सॉकेट और टैप कनेक्शन कंपनी की तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो दिस इज 9x13 विच इज द साइज ऑफ द किचन। तो यहाँ पे आपका ड्राई एरिया और वेट एरिया अलग से रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने 4 रूम्स की। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आपको मिलेगी, तो गेस्ट के लिए और फर्स्ट रूम के साथ आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिलेगा। तो दिस इज अ एक्चुअल बाथरूम जो आपको प्रोवाइडेड रहेगा, सारी रोका और अमेरिकन स्टैंडर्ड के यहाँ पे आपके फिक्स्चर्स रहेंगे। तो फर्स्ट रूम ये रहेगा जो 11x15 का साइज रहेगा, और इसके साथ हमने आपको 8 फीट की बालकनी प्रोवाइडेड दी है विच इज पार्क फेसिंग। तो अब जितना भी आपको ये एरिया नजर आ रहा है फ्रंट पे, तो बेस्ट पॉइंट यही है आपके फ्रंट पे आपका सारा ही आपका ग्रीन जोन रहेगा। तो इंटरवल कोई भी व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं है कंपनी की तरफ से, जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारा ही व्हीकल मूवमेंट और ड्राइववे आपकी बाउंड्री पे रहेगा विद अ सेपरेट विजिटर पार्किंग। तो अब आपको फ्लैट में कुछ और ही अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही यहाँ पे एक आपको वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम मिल जाता है जो आपके हर एक रूम में, हर एक आपके टावर के आउट पे और आपके लिविंग डाइनिंग एरिया में हर जगह रहेगा। तो फ्लैट में आपको डाइनिंग एरिया के साथ एक आपको पूजा मंदिर एरिया या आप क्रॉकरी वार्डरोब यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से अब जब हम एंटर करेंगे तो हमारा सेकंड रूम एंटर रहेगा, तो ये 11x15 का आपका सेकंड रूम आ जाता है विद एन अटैच्ड बाथरूम वॉशरूम। तो इसमें भी आपके मैं 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपकी जो सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं वो आपकी सारी हेवल्स की प्रोवाइडेड हैं कंपनी की तरफ से, और इसकी बालकनी जो आपकी रहेगी वो मास्टर के साथ कंबाइंड रहेगी। तो अब हम मास्टर रूम की तरफ एंटर करते हैं। तो मास्टर रूम में आपको 12x15 का एक बड़ा साइज देखने को मिल जाता है,
मास्टर में अब आपको फ्लैट में एक वुडन फ्लोरिंग, उसके साथ आपको ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया में कंपनी की तरफ से वार्डरोब सेट रहेगी। ये वही बैल्कनी है जो आपके सेकेंड रूम के साथ कॉमन रहेगी। तो इस बैल्कनी से हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 फीट की एक बड़ी बैल्कनी देखने को मिल जाती है, विच विल बी हैविंग द सेम व्यू जो आपको लिविंग डाइनिंग और फर्स्ट रूम की बैल्कनी से रहेगा। सो मास्टर के साथ जैसे ही आपका एक ड्रेसिंग एरिया कनेक्टेड है और उसी के साथ आपकी बाथरूम की एंट्री रहेगी। तो बाथरूम में आपको बाकी बाथरूम से एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है, यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको वैनिटी बॉक्स प्रोवाइड रहेगा 10x6 का, यहाँ पे आपको मास्टर का बाथरूम मिल जाता है। अब चलते हैं हम लास्ट रूम पे, विच विल बी आवर फोर्थ रूम। तो ये फोर्थ रूम रहेगा आपका 14x13 का साइज रहेगा। यहाँ पे नेचुरल लाइट आपको दिख रही है, आपको हर एक कॉर्नर पे, हर एक जगह आपको बैल्कनी एक्सेस और नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको बैल्कनी मिल जाती है विच विल बी ऑन द अदर साइड। तो एक कॉर्नर डिजाइन है इस फ्लैट का, तो बोथ साइड आपको बैल्कनीज और ओपन साइड यानी डिफरेंट आपको व्यूज मिल जाते हैं इस फ्लैट में। तो इसके अलावा जो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, तो दिस विल बी योर सेकंड ड्रेसिंग एरिया जो बहुत ही स्पेशियस है आपका 5x8 का। यहाँ पे आप इसे स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं और ये बाथरूम आपका यहाँ पे इस रूम के साथ फोर्थ अटैच रहेगा। सो दिस वाज द एक्चुअल 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट 2565 स्क्वायर फीट। और इसके अलावा अब हम चलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट जो हमारे प्रोजेक्ट का है, विच विल बी द बेसमेंट, जो लार्जेस्ट बेसमेंट है इन द ट्राई सिटी। तो ये बेसमेंट है आपका जिसका एक एंट्री और एग्जिट आपका दोनों तरफ रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 एंट्री और 2 एग्जिट देखने को मिल जाते हैं और एक बहुत ही नॉर्मस बेसमेंट है। यहाँ पे कॉर्नर्स पे आपको डबल डेक पार्किंग भी देखने को मिल जाती है कंपनी की तरफ से। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी तो नीचे लिखे नंबरों पर प्लीज़ कॉल अस। एंड ऐसी प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहें एंड सब्सक्राइब ट्राई सिटी प्रॉपर्टी ग्रुप।